इंदौर में साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर चंदौली से। तथा जीडीआईसी के जो भी हमारे शिक्षक पहले में आई हैं, सभी को शेख राजा विद्यालय परिवार की तरफ से सादर अभिनंदन, जय हिंद, सादर प्रणाम देते हैं। आज का कार्यक्रम जो है महिला हेल्प डेस्क की स्थापना है, जिसका समय अब आ चुका है, इसका शुभारंभ का समय आ चुका है। इस क्रम में, इस कार्यक्रम के क्रम में सबसे पहले मैं श्रेया मिश्रा, कृपा करके आप आए, मैडम का मर्यादा करने की व्यवस्था करें। आप बताने से स्वागत करें। इसके अंतर्गत जनपद के प्रत्येक थाने अपने क्षेत्र के विद्यालय में जा जा करके जीडीआईसी स्कूल द्वारा हमारे मीडिया में अभिनंदन, हमारे क्षेत्र के जीडीआईसी की प्रिंसिपल श्रीमती सुशीला जी करेंगी, जो चंद समय में आप लोगों के बीच आ रही है। सबसे द्वारा यह आगाज हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। दो शब्द हमने आशीर्वाद के रूप में बताए। कार्यक्रम के मुख्य बीआईसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमती सुशीला जी, इस जिले के सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे एडिशनल श्री प्रेमचंद जी, इस थाना प्रांगण के प्रभारी निरीक्षक श्री लक्ष्मण भगवत जी, शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री मंगला सिंह जी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती मीना सिंह, क्रिकेट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री एस के शर्मा जी, उपस्थित सभी जन समुदाय को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं सादर प्रणाम। आदरणीय मित्रों, बड़ी ही खुशी की बात है कि आज 10 बजे उत्तर प्रदेश के 1535 स्थानों में एक साथ महिला डेस्क हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया, और इसकी शुरुआत तब हो रही है जब इसे मिशन शक्ति के रूप में देखा गया। हम तो देवताओं के रूप में अगर किसी को पूजा जाता है तो चाहे वैदिक हो या आधुनिक हो या आज का हो, किसी भी काल की चर्चा की जाए तो केवल यही बात मिलती है, नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। आदरणीय मित्रों, आप सबको ये मिशन शक्ति की जो शुरुआत हुई है, हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अंतिम छोर के स्थानीय पर स्थित हैं, और इस स्थानीय से जो पूर्वांचल को ये संदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश के हर थानों को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगा। इन जन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महोदया और इस क्षेत्र के सम्मानित जनता, मीडिया के लोग, बच्चियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पुलिस विभाग के लिए सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ आज से हो रहा है। हर थाने में उत्तर प्रदेश के 1535 थानों में
आज के दिन महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ है और महिलाओं के सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान इस वर्ष नवरात्रि के प्रथम दिन से शुरू किया गया, उद्घाटन आज किया गया और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। अगले नवरात्रि चैत्र रामनवमी तक ये अभियान चलेगा, जिसमें महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए तरह तरह की बातें बताई जाएंगी। जो भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमारी हेल्पलाइन है 10 90 181 10 78 112, ये सारी नंबर जो है आप सबकी सुरक्षा के लिए है, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 1090 लखनऊ से डील होती है, प्रत्येक जिले में इसके लिए कार्यकर्ता हैं। 181 भी लखनऊ से डील होती है। इसमें जो भी सूचनाएं, महिलाओं को कोई परेशानी हो, कहीं भी परेशानी हो, इस नंबर को डायल करेंगी, उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात को गोपनीय रखा जाता है, किसी तरह की इसकी गोपनीयता भंग नहीं हो जाती है और उनको जो है तब तक उनसे बात की जाती है जब तक वो सुरक्षित अपने आप को बता रहे। तो संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी, थाना पुलिस इन नंबरों पर जैसे ही आप कॉल करेंगे उनको तत्काल सूचना होगी और आपकी सुरक्षा के लिए वो समय से मौके पहुंच जाए। सबसे सरल नंबर है 112। जैसे ही इस नंबर पर कॉल किया जाएगा आपके पास 10 मिनट के अंदर जो है ये PRV के वाहन हमारे यहाँ घूमते रहते हैं। इस जिले में कुल 28 चार पहिया वाहन हैं और 17 दो पहिया वाहन 112 PRV के हैं। आपका लोकेशन लेकर तत्काल वहाँ से आपको सुरक्षित रखते हैं। 181 भी आपकी सुरक्षा के लिए है, जो इस जिले में कार्यरत है और इसके पास भी गाड़ी है, ये आपकी सुरक्षा के लिए। अगर महिला हेल्प डेस्क थानों में खोले गए हैं, ये किस तरह से काम करेगा और महिलाओं को कितनी सुविधा मिलेगी, प्रक्रिया क्या होगी? ये महिला हेल्प डेस्क का मेन उद्देश्य ही है महिलाओं की समस्याओं को सुनना, उनको ढंग से एड्रेस करना। सबसे पहले जो सुनने वाले जो इसमें कार्यरत हैं वो महिलाएं हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं, उनको ड्यूटी पे लगाया गया है। आज ड्यूटी शिफ्ट है तो ताकि कोई भी एक्सेसिवली बर्डन ना हो। दूसरी इनकी ट्रेनिंग होनी है महिलाओं की, उनको भाषाओं में दक्ष होना है, कंप्यूटर में बेसिक इनकी दक्षता हमें प्राप्त है इनको ऑलरेडी, और हमें और इनको रिफाइन करना है। साथ ही साथ में जो भी एप्लीकेशन आएगी और एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है, उनको लोगों को टोकन देना है और वो ताकि वो जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है उस पर क्या कार्रवाई होगी उसके लिए देखना है। SHO डायरेक्टली क्या कहते हैं इनको सुपरवाइज करें, तो जिससे ये होगा कि जो भी अधिकारी को जाँच मिली है, जो भी अधिकारी इनकी शिकायत पर काम कर रहा है तो उस पर लगातार फीडबैक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ से एक नंबर दिया जाएगा, उनको हेल्प डेस्क का ही नंबर दिया जाएगा ताकि महिला जो की समस्या है उसका फीडबैक क्या हुआ, उस पर कार्रवाई क्या हुई, उस नंबर से टच करके क्या कहते हैं उससे लगातार कार्रवाई कर सकती है। जैसे कॉल सेंटर